बार बार सर्दी यानी बार बार जुकाम यानी नाक जाम, बार बार सर्दी होने पे तुरंत क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दी जुकाम के घरेलू उपचार, जो फ्री का है, फोकट का है, और इसको करते ही आपको तुरंत के तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे ही ये शरीर के अंदर जाएगा आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले वो नुस्खा क्या है, और बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑल इन वन चैनल 36 पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दी जुकाम किसी को एलर्जी, ये बीमारी जो होती है ना एलर्जी से होती है, तो किसी को डस्ट से यानी धूल और मिट्टी से एलर्जी होती है, किसी को जो होने वाले सुगंधित यानी कुछ लोग जैसे मुझे जो होता है ना, तो मैं जब कछुआ छाप अगरबत्ती जलाता हूँ तो मुझे उसके गंध बर्दाश्त नहीं होते और सर्दी तुरंत हो जाती है। तो मैंने उस चीज को अवॉइड किया यानी उस चीज को छोड़ दिया, यानी जब वो घर में जलता है तो मैं कुछ देर के लिए बाहर चला जाता हूँ। तो मतलब ये हमारे परिवार वाले जान गए हैं कि मतलब इनको इस चीज से एलर्जी है, तो वो लोग बोल भी देते हैं कि आप थोड़ा देर बाद आइए। तो किसी किसी को मतलब ठंडे पानी से एलर्जी होती है, किसी किसी को कोई मतलब ये एलर्जी किसी भी चीज से होती है, या आप कहीं बैठे हुए आपके बगल वाले सीट पे बार बार छी 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 कर रहे, तो उसके जीवाणु कीटाणु आपके श्वास के थ्रू जाएंगे, तो उससे भी आपको एलर्जी। तो इन सब चीज को अवॉइड करें, इन सब चीज से बचें, और खासकर मतलब सुगंधित जैसे इत्र वगैरह ये सब मारने से बचें। और जो है सबसे पहले आप क्या करें, मुंह को बहुत अच्छी तरह से, हाथ मुंह बहुत अच्छी तरह से धोएं, और साफ जैसे हल्का सुसुम पानी से कुल्ला करें, और रात को सोने से पहले इसको अच्छी तरह से उंगली चारों तरफ से उंगली कर लें मसूड़ों में, और जो मतलब थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए, अगर हल्का सा नमक डल जाए तो ज़्यादा अच्छा, तो उससे कुल्ला करें। कुल्ला करने के बाद जो भी आपने पानी अगर लिया तो उस पानी को क्या करें, एक दो पानी घोट अंदर घोट जाए, और तीसरा दूसरा जब कुल्ला ले तो हल्का सा गर्म ही होना चाहिए, तो हल्का सा गलाला कर ले। गलाला मतलब यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन जो जमा हुआ वो दूर हो जाए। जिनके इम्यूनिटी यानी जिनके शरीर कमजोर, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो अब चलते हैं हम लोग नुस्खे के बारे में, तो वो नुस्खा क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है कि जल्द से जल्द सर्दी होने पे तुरंत राहत मिल जाए। तो इस तरह का एक मिलने वाला, ये आपने देखा होगा कि आदि के जैसा, मतलब तो आदि जो होती है ना हल्दी का, हल्दी भी उसी होती है, तो ये कच्चा हल्दी है जिसको हम लोग ऐसे से छीलेंगे ना, ये देखिए, तो ये हल्दी, तो ये हल्दी आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि हल्दी को कच्चे हल्दी से हल्दी कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनसे देखकर मैंने सीखा और ये उपाय किया और बहुत ही लाभ मिला। यकीन मानिए, जो दवा मैंने दवा 6 महीने 2 साल तक होम्योपैथी के दवा खाते रहा, जब तक खाता रहा तब तक ठीक रहा, बीच में छोड़ दिया सर्दी फिर होने लगा, तो मैं तंग आ गया था कि तंग आ गया था कि अब क्या करूं, बस रात दिन सोचते रहता था। तो मैंने जो बुक लाया था उस बुक में ये लिखा था कि इस उपाय को करने से बिल्कुल सर्दी में तुरंत राहत मिलेगा। तो इसको क्या किया, मैंने गर्म पानी में डालकर उबाल लिया, उबालने के बाद इसको धूप में रख दिया। आप मतलब YouTube पे वीडियो देख सकते हैं कि कच्चे हल्दी से हल्दी कैसे बनाएं। तो उसको जब हल्दी बन जाए तो हल्दी का आप पाउडर अपने घर में मतलब किसी भी चूज से मिक्सी में पाउडर बना लें, मिक्सी में पाउडर है, या दुकान में जहां मसाले वाले, जो मसाले वाले दुकान होते हैं ना, वहां पे हल्दी के पाउडर आपको मिल जाएंगे। इसके अगर पाउडर मिलेंगे तो इसके थोड़े लाल रंग के होने चाहिए, और जो वो हल्दी, एक दूसरा हल्दी आती है वो हल्दी पीले रंग की होती है, तो इसके लाल बिल्कुल लाल रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, किसी भी बर्तन में यानी अल्मोनियम छोड़ के किसी भी बर्तन में पानी जब उबाले तो उसमें आधा से आधा चम्मच यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा उस पानी में डाल दे हल्दी
पानी में डाल दे और उसको अच्छी तरह से उबालने दे। अब अगर वहां पे खड़ा हो के आप अपने उबाल सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि उसके जो गंध जाएंगे तो उनसे इन्फेक्शन दूर होगा, एलर्जी दूर होगी। तो वो जब उबल जाए, उबलने के बाद आप क्या करें, उसको उतार लें और पीने लायक, जब पीने लायक आपको हो जाए, जैसे चाय आप पीते हैं ना, तो उस तरह धीरे 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 पी लें। इससे तुरंत जैसे पियेंगे तुरंत आपको राहत मिलेगा। और दूसरा जो उपाय है, जो फ्री का है, फोकट का है, घर में आपको उपलब्ध है, तो गुड़ एक आती है, गुड़ जैसे गोल गोल एक गुड़ आती है, जिसको व्हाइट रंग का नहीं होना चाहिए, काले रंग का होना चाहिए, चॉकलेटी कलर का। तो उस गुड़ के एक टुकड़ा को ले लेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा को ले लेंगे। क्या करना है, हमें मसाले में से थोड़ा सा जीरा, जीरा जो होता है ना, जीरा जिसको मसाले में हम लोग सब्जी में यूज करते, तो उस जीरे को, गुड़ और जीरा दोनों को अच्छी तरह से लपेट लेना है, दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मतलब सट जाए, तो मुंह में रख लेना है और चबाना नहीं है, चॉकलेट की तरह बिल्कुल धीरे 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 चूसते रहना है। इससे दो दिन भर में दो से तीन बार कर ले, सुबह कर ले, दोपहर कर ले, शाम कर ले, रात कर ले, सर्दी आपको चुटकी बजाते ही बिल्कुल गायब है। ये मेरा खुद का आजमाया, जब भी मुझे इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो मैं यही करके अपना सर्दी दूर कर देता हूँ। आने से पहले, सर्दी आने से पहले मुझे अभ्यास हो जाता है, आपको भी अभ्यास हो जाएगा, नाक से हल्का सा पानी आने लगेगा, छींक आने लगे तो समझ ले, उसी समय से ये मैं करना चालू कर देता हूँ। सर्दी आता ही नहीं, सर्दी गायब हो जाता है, दवा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जुड़े रहे हमारे ऑल इन वन चैनल।